अहम खबर कराची से, जहां एयरपोर्ट पर कस्टम ने कार्रवाई की है और कार्रवाई के नतीजे में मुसाफिर असलम और जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों मुसाफिरों से स्मगल शुदा सामान बरामद हुआ है। कस्टम की इस कार्रवाई से मुतालिक मजीद जानेंगे नुमाइंदा कराची मोहम्मद मोहसिन से। मोहम्मद मोहसिन, बताइएगा इस कार्रवाई के हवाले से मजीद क्या तफसील है आपके पास? ये जिना टर्मिनल पे कार्रवाई हुई है इंटरनेशनल आमद पे। यहाँ पे दुबई से कराची आने वाली गैर मुल्की एयरलाइन है, उसकी परवाज है EK610। इससे ये दो मुलजिमान गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से सामान बरामद हुआ। इनका कहना था ये घर के इस्तेमाल के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ला रहे हैं। तहम देखने में ये आया कि ये कसीर तादाद में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है जो कि बिजनेस के लिए लाए थे, और तकरीबन इनकी मालियत 1.5 करोड़ रुपये बताई जाती है। इसमें मोबाइल फोन हैं, मेडिसन हैं, मेमोरी कार्ड्स हैं, आईपैड्स हैं, लैपटॉप्स हैं, कैमराज हैं, मोबाइल और प्रोजेक्टर्स वगैरह हैं। तो इनको अभी यहाँ पर मीडिया के सामने पेश किया गया। तहम इस हवाले से अहम तरीन बात यह है कि कस्टम ने दावा किया था कि गुज़िश्ता 2 बरस में तकरीबन 25,000 मोबाइल फोन्स अब तक उन्होंने स्मगलिंग के रोके हैं। तहम उन्हें अभी तक उनका ऑक्शन नहीं किया गया, जबकि जो कस्टम कवानीन है उसके लिहाज से 3 महीने में ऑक्शन कर देना चाहिए। 2 साल से 25,000 मोबाइल फोन ऑक्शन नहीं किए गए, जिसकी वजह से खजाने को अब तक तकरीबन 15 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंच चुका है। उसके साथ तकरीबन 2500 कंटेनर हैं जो कि कराची पोर्ट पर इस वक्त पड़े हुए हैं, जो कि ऑक्शन करने हैं और जिन्हें ऑक्शन नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से कौमी खजाने को मुसलसल नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है मोहम्मद मोहसिन, अपडेट करने का शुक्रिया।